अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम करेंगे ग्रे हेयर कवरेज, ग्रे हेयर पे कलर करेंगे जिनके वाइट हेयर आ गए हैं, जो हर किसी का मसला है। तो हम उसको किस तरह कवर कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं और किस तरह से लाइटर टोन में कलर कर सकते हैं। ठीक है, इनके ग्रे हेयर्स हैं और साथ ही साथ इनकी लेंथ पे लाइट कलर है। हम इसको बैलेंस करेंगे, ग्रे हेयर की कवरेज भी करेंगे, लेकिन इनको डार्क कलर नहीं चाहिए। ठीक है, 3, 4, 5 नंबर का कलर ये नहीं चाह रही, ये 6, 7 लेवल का जो शेड है वो चाह रही हैं और बगैर कट डाउन के। तो इतना लाइट जब हमने 7 नंबर का कलर करना होता है तो फिर उसमें जो है ना आपकी ग्रे कवरेज 100% नहीं होती, क्योंकि फैशन कलर होता है और लाइटर कलर होता है तो वो वाइट बालों को अच्छी तरह से कवर नहीं कर पाता। इसका एक मेथड है। और अगर आप लोग भी वाइट कवरेज करना चाहते हैं लाइट कलर में, तो ये डिटेल में वीडियो है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगी। एंड तक वीडियो देखें। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि मेरी नई वीडियोस भी आप लोग देख सकें। ठीक है, तो सबसे पहले जो कलर नंबर मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं उसके बारे में बताती हूँ। यहाँ मैं क्यूने का कलर यूज़ करूँगी, और क्यूने की ट्यूब जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है क्यूने 7.19। ठीक है, ये मैट ब्राउन सा शेड आएगा, इसमें गोल्डन का टच नहीं आएगा, मैट ब्राउन सा कलर आएगा। तो ये क्यूने 7.19 की ट्यूब मैं हाफ ले रही हूँ। ठीक है, जितने बाल हैं आपने उसके मुताबिक कलर बनाना है। तो 7.1 ट्यूब जो है वो हाफ ले ली है, और इसमें थोड़ा सा मैं 5 नंबर ऐड करूँगी, 1 इंच के करीब इसमें मैं 5 नंबर ऐड करूँगी। 5 नंबर जो है वो आपके बालों की 100% ग्रे कवरेज करता है, तो इसमें ये नंबर ऐड करना ज़रूरी है। ठीक है, 1 इंच आपने 5 नंबर ज़रूर ऐड करना है, ताकि आपके ग्रे हेयर्स की कवरेज हो और आपको लाइटर कलर भी मिल जाए। अगर 5 नंबर ऐड नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि जो ग्रे हेयर्स हैं उन पर शेडिंग आ जाएगी, वो अच्छे से कलर नहीं होंगे। और इसके साथ मैं 20 वॉल्यूम का यूज़ करूँगी। जितनी मैंने ट्यूब ली है उतना ही मैं डेवलपर ऐड करूँगी। ठीक है, मुझे अंदाज़ा है, मैं अंदाज़े से डाल रही हूँ, तो आप लोग अगर मेजरमेंट करना चाहते हैं तो आप इसको नाप के मेजर करके ऐड कर सकते हैं। 20 वॉल्यूम के साथ हमेशा ग्रे हेयर्स की कवरेज होती है। ठीक है, अगर हमने ग्रे हेयर्स कलर करने हैं, वाइट वाले बाल जो कलर करने हैं, उसके लिए हम 20 वॉल्यूम यूज़ करेंगे। और 7.19 की एप्लीकेशन की है, 45 मिनट्स का स्टे दिया है, सारे हेयर्स पर मैंने एप्लीकेशन की है। ठीक है, 20 वॉल्यूम के साथ नीचे ऑलरेडी कलर वाले बाल थे तो उन पे भी अच्छी सी टोनिंग हो जाएगी, अच्छा सा शेड आ जाएगा, और वहाँ पे भी 20 वॉल्यूम की एप्लीकेशन ही की है क्योंकि ऑलरेडी कलर वाले बाल हैं। ठीक है, तो हम उनको मज़ीद लाइट नहीं करना चाहते, तो हम 20 वॉल्यूम का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम मज़ीद लाइट करना चाहते हैं फिर हम 30 और 40 वॉल्यूम यूज़ करेंगे। या अगर आपके लेंथ पे ब्लैक हेयर्स हैं और रूट्स में वाइट बाल हैं और आप सारे बालों को ब्राउन करना चाह रहे हो, तो फिर आप रूट्स में 20 वॉल्यूम के साथ एप्लीकेशन करोगे, लेंथ पे आप 40 वॉल्यूम के साथ एप्लीकेशन करोगे। इसका यही एक मेथड है, ब्लैक से ब्राउन कलर में जाने के लिए आप 40 वॉल्यूम से एप्लीकेशन करते हो और रूट्स में हमेशा 20 वॉल्यूम से एप्लीकेशन होती है। तो यहाँ पे मैंने 20 वॉल्यूम की एप्लीकेशन की है और 7.19 और 5 नंबर को थोड़ा सा ऐड किया, अच्छी तरह से मिक्सिंग की है, सारे हेयर्स पे अच्छी तरह से लगा लिए, और उसके बाद 45 मिनट्स के बाद हमने इनके हेयर वॉश किए। और एक बात मैं आपको बता दूं, मैं कलर एप्लीकेशन की वीडियो इसलिए नहीं बनाती क्योंकि एप्लीकेशन करनी तो सबको ही आती होगी, तो फिर इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और क्लाइंट्स को हमने टाइम पे जो है फारिग करना होता है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से बेसिक चीज़ें रिकॉर्ड कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को ईजीली समझा सकूँ। और आई होप आपको इस वीडियो की समझ आ जाएगी कि हम किस तरह से ग्रे हेयर कवरेज कर सकते हैं और किस तरह से फैशन शेड ला सकते हैं बगैर कट डाउन के। और ये इनका वॉश करने के बाद का रिज़ल्ट है, वॉश किया है, ड्राई किया है, और ये है इनका फाइनल रिज़ल्ट। बहुत ही अच्छा शेड आया था और क्लाइंट भी बहुत खुश थी, बहुत अच्छी ग्रे कवरेज हुई है। रूट्स आप देख सकते हो अच्छे तरीके से, और मैंने अच्छे तरीके से रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की है कि आपको रूट्स भी नज़र आ जाएँ और लेंथ का कलर भी नज़र आ जाए। जो पहले कॉपर सा था, ऑरेंज पिगमेंट था, वो भी बड़ा खूबसूरत सा कैरामल ब्राउन सा हो गया है, और जो रूट्स हैं वो भी बहुत प्यारा सा कलर आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं उसका इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मज़ीद कलर से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं अब आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।